स्वागत है आप सभी यंग बर्डन कैफे से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आपका जो पेमेंट है 3 महीना सा जो पेमेंट है आपका नहीं आ रहा था। ISDS ने कड़े आदेश देते हुए सभी जो डेटा ऑपरेटर हैं सभी को आदेश दिए हैं और ऑलमोस्ट बिहार के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पेमेंट जो है वो अपडेट कर दिया गया है। बहुत ही अच्छा ये प्रदर्शन किया गया है और इस प्रकार से अगर कार्य करें तो बहुत ही अच्छा ISDS का कार्य होगा, क्योंकि ISDS ने जिस प्रकार से रिस्पॉन्स दिखाया है, तो डाटा ऑपरेटर पर जिस प्रकार से दबाव दिया है, जिसके कारण से 1-2 दिन में ही सारा बिहार के सारे ज़िले में जो पेमेंट है वो भेजे जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं SMS, ये बैंक SMS है। कुछ सेविकाओं का पेमेंट जो है वो आप धीरे धीरे क्रेडिट होना स्टार्ट हो चुके हैं, जल्द ही आप सभी के अकाउंट में 2 से 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको हम दिखा दें, ये आपका जहानाबाद है, जैसे कि पहले इसके बारे में वीडियो बनाए थे तो उसके बारे में बहुत सारे सेविकाओं ने कॉमेंट की थी कि सर हमारे भी जिला का बताइए रिपोर्ट। तो देखिए उन्होंने अपने कॉमेंट में अपना जिला का नाम और प्रोजेक्ट का नाम डाले थे। ठीक है, उसके आधार पर हमने ये रिपोर्ट तैयार किया है। आपको बता दें, ये देखिए आप जहानाबाद के देख सकते हैं और जहानाबाद प्रोजेक्ट का है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आपका भी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या है, बैंक का रिस्पॉन्स। तो देखिए देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर इन सेविकाओं का मई से पेमेंट जो है वो अपडेट नहीं किया गया था। ठीक है, तो देखिए मई का पेमेंट इनका नहीं गया था। आगे भी आपको बहुत सारे लिस्ट है, यानी कि आप लोग लिस्ट लेके आए हैं, आप सभी का पेमेंट दिखाएंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रोसेस है। देख सकते हैं यहाँ पर मई का इनका देखिए पेमेंट 2 तारीख का बैंक पेमेंट प्रोसेस में लगा दिया गया है। इसका मतलब है कि बैंक में जब भी सर्वर मतलब किस प्रकार से रहेगा उस समय ही आपका पेमेंट चला जाएगा। कैसे होता है वर्क आप देख सकते हैं अप्रैल का महीना का, जैसे कि यहाँ पर 4 तारीख को इनका जो है 4/6/2024 को इनका जो है बैंक रिस्पॉन्स में दिया जाता है। ठीक है, प्रोसेस में लगाया जाता है और इनका पेमेंट देखिए कब मिलता है, तो आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इनका जो है वो 6/7 यानी कि 7 तारीख को इनका जो पेमेंट है वो मिल जाता है। तो यानी कि जस्ट 3 दिनों के बाद इनका जो पेमेंट है वो बैंक में रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो उसी प्रकार से सेम अभी आपका मिलने वाला है, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर देखिए 2 तारीख को आपका हो चुका है और आज हम लोग का 3 तारीख हो चुका है। तो इसके 3 दिन बाद यानी कि आपका 5 तारीख तक आप सभी के खाते में जो है पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे और तीनों एक ही साथ जाने वाला है, यानी कि 2-1 करके आपको जाने वाला है। टोटल आपका 21,000 जो पेमेंट है वो जाने वाला है। आप देख सकते हैं ये जहानाबाद का अपडेट था। इसी प्रकार पूरा देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर मुसहरी जो सेविकाओं ने कॉमेंट की थी, तो उनका हम यहाँ पर देखें। अगर आप भी अपना देखना चाहते हैं या पता लगवाना चाहते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट का, तो इसी सिंपल आपको वीडियो में आपको कॉमेंट कर देना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम और AWC अपना केंद्र का नाम दे सकते हैं। सेविका का या सहायिका है आप भी ये भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में आपका ही देखा जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सेविकाओं का देखिए पेमेंट जो है वो सभी का, देखिए यहाँ पर मुजफ्फरपुर की बात की जा रही है, सभी सेविका और सहायिका दोनों का जो पेमेंट है वो 2 तारीख को, देखिए सभी जगह आपको 2 तारीख को ही देखने को मिलेगा। तो ISDS ने इस पर सख्त आदेश देते हुए, हालांकि मेरे पास ISDS का लेटर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ISDS का लेटर जारी हुआ है जिसके कारण से ये रिस्पॉन्स दिखाया गया पूरे बिहार के सभी जिलों में सभी का जो पेमेंट है वो अपडेट कर दिया गया है। बहुत ही अच्छी बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गया की बात करें हम लोग, तो गया में भी एक बहन कमेंट की थी, उनके बारे में पूछी थी उन्होंने। यहाँ पर देख सकते हैं कि मई जून जुलाई ये 3 महीने का इनका भी देखिए बैंक रिस्पॉन्स चलाया जा चुका है। अब बैंक का क्या रिस्पॉन्स होगा आपका वो बैंक डिपेंड करेगा कब तक आपको आएगा, तो ये आपका बैंक SMS के बारे में आपको अवगत मिल जाएगा। यदि आपका जो मोबाइल है वो बैंक से लिंक होगा तो आपको कभी भी SMS प्राप्त हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। पूर्णिया की बात करें, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अप्रैल का पेमेंट जो है वो सिर्फ मात्र गया था, उनका मई जून का नहीं गया था। ठीक है, लेकिन जुलाई का पेमेंट अभी तक इनका अपडेट नहीं किया गया, जो रियलिटी है वो आपको हम बता रहे हैं। अब इनका जुलाई और अगस्त भी खत्म हो चुका हम लोग का, तो इनका अभी 2 महीने का पेमेंट जो है बचा है, तो इनको सिर्फ 14,000 रुपये ही अभी इनको क्रेडिट किए जाएंगे, क्योंकि इनका 2 महीने का ही रिस्पॉन्स दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कटिहार का, तो कटिहार में भी आप देख सकते हैं कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट में आपको 3 महीने का जो पेमेंट है वो रिस्पॉन्स कर दिया गया है, तो ये आपका बैंक में अपडेट कर दिया गया है। जल्द ही आपको बैंक के द्वारा जो SMS है वो मिल जाएंगे। अब टोटली काम जो है वो बैंक पर डिपेंड करता है, यदि बैंक में साइबर सही रहा तो वो समय आपको पेमेंट जो हो मिल जाएगा। 3 दिन लग सकता है, 4 दिन लगता है, या तो सप्ताह भी लग सकता है, तो ये आपके बैंक पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पर 4 तारीख को इनका जो है बैंक भेजा गया और इनको 6 तारीख को पेमेंट रिसीव हुआ है, तो इसका 2 दिन के अंदर इनको पेमेंट रिसीव हो गया। तो किसी का 3 दिन, किसी का 2 दिन, किसी का 4 दिन, किसी का 1 सप्ताह हद से ज़्यादा लग सकता है।
ठीक है। तो ये आपका रिस्पॉन्स रहा। साथ ही आप भोजपुर की अगर आप सेविका हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि भोजपुर की सेविकाओं का एक कमेंट था कि अप्रैल का पेमेंट नहीं आ रहा है। तो वास्तव में आप देख सकते हैं इनका कि सिर्फ हेडक्वार्टर ही सेंड किया गया है अप्रैल का पेमेंट, और इनका सेंड टू हेड बैंक नहीं किया गया। अब क्या दिक्कत है ये आप डिस्ट्रिक्ट से पता कर सकते हैं अपने डाटा ऑपरेटर से कि आखिर अप्रैल का पेमेंट आपका क्यों नहीं अपडेट किया गया है। ऑलमोस्ट सभी सेविकाओं का इसी प्रकार से रिस्पॉन्स है, और इनका जो मई जून जुलाई ये 3 महीने का पेमेंट जो है वो अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। इसके लिए आप लोग जरूर से जरूर अपने डाटा ऑपरेटर से संपर्क करें, क्योंकि ये आपका 1 महीना बीच का छूटा हुआ है, तो जरूर से जरूर आप लोग अपना अपडेट करवाएँ। चलिए आगे देखें जम्मू जिला का। यदि आप जम्मू से हैं तो जम्मू की सेविका हैं आप या सहायिका हैं आप, तो देख सकते हैं कि इनका भी अप्रैल का जा ही चुका था, सिर्फ मई जून जुलाई अगस्त, अभी आपका अगस्त अभी अपडेट होने वाला है, जल्द ही आपको अगस्त भी देखने को मिल जाएगा। यदि आपको अगस्त का आप लोगों को अब जो व्हाट्सअप के माध्यम से या तो कहीं के माध्यम से आपको रजिस्टर्ड का जो है फ़ोटो आपको मांगा जा रहा होगा, जल्द ही आपको अगस्त का भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो यदि आपसे फ़ोटो मांगा जाता है अटेंडेंस वाला, तो आप लोग फटाफट से अपने व्हाट्सअप में ज़रूर सेट कर दें, क्योंकि उसी के रिस्पॉन्स के जरिए जो है आपका अटेंडेंस तैयार किए जाते हैं। और पोषण टेकन एक मुख्य जरिया है, पोषण टेकन पर भी आप लोग रेगुलर जो है वो अटेंडेंस बनाते रहेंगे तो ही आपका जो पेमेंट है वो आते रहेंगे, ठीक है। ये आपका जम्मू का है। नेक्स्ट आप लोग देखिएगा खगड़िया। खगड़िया में भी सेविकाओं ने कमेंट किया था, तो उनका भी देखिए आप मई जून जुलाई ये 3 महीने का पेमेंट आप ही का भी जो है जल्द ही आप सभी को बैंक में रिस्पॉन्स मिल जाएगा, जल्द ही आप सभी को बैंक में जो है एसएमएस प्राप्त हो जाएगा। यदि आपका ओटोपी के माध्यम से यानी कि आपका बैंक जो है वो आपके मोबाइल से लिंक है, तो कभी भी आपको दिन रहे रात रहे कभी भी आपको एसएमएस जो वो मिल जाएगा, क्योंकि ये बैंक का काम है, ठीक है। बैंक में क्या है ये साइबर के द्वारा चलता है, इंटरनेट के द्वारा चलता है, तो जिस प्रकार से बैंक का रिस्पॉन्स रहेगा उस समय आपको एसएमएस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको दिन में ही मिलेगा, ये बार आपका किसी भी समय मिल सकता है, अब रात के 12 बजे 2 बजे 3 बजे कभी भी आपको एसएमएस मिल जाएगा, आपका पेमेंट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। तो काफ़ी ये अच्छी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज थी। खास आज लखीसराय जिला की बात करें तो वहाँ का भी सेविकाओं का जो पेमेंट है वो अपडेट कर दिया गया है। ऑलमोस्ट बाकी पूरे डिस्ट्रिक्ट में 3800 जिला में जो है सभी का जो पेमेंट है वो अपडेट कर दिया गया है, और सभी का देखिए अगर देखेंगे आप तो 2 तारीख को ही सभी का बैंक अपडेट किया गया, और 1 तारीख को उनका रिस्पॉन्स किया गया सेंड बैंक, और 2 तारीख को जस्ट इनका प्रोसेस में गया है, ठीक है। एंड साथ ही आपका जो है वो अब जल्द ही आपको रिस्पॉन्स फ्रॉम बैंक के द्वारा क्या रिस्पॉन्स होता है, यानी कि अगर आपका बैंक में कोई प्रॉब्लम होगा ई केवाईसी अगर प्रॉब्लम होगा तो बैंक का रिस्पॉन्स आएगा कि आपका यहाँ पर आपको लिखाएगा जल्द ही कि आपका बैंक के द्वारा रिस्पॉन्स दिखाएगा कि आपका पेमेंट रिजेक्ट किया गया या तो एक्सेप्ट किया गया। अगर आपका एक्सेप्ट किया जाता है तो इस प्रकार से आपका UTR जो है वो जनरेट कर दिया जाएगा। जल्द ही अगर आपका पेमेंट इससे ही पेमेंट स्टार्ट होता है देने का, तो आपके हमारे वीडियो के माध्यम से आपको फिर से अवगत कराया जाएगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में आपको इतना ही जानकारी है। आपको हम बता दें जैसे कि आप यहाँ पर डेट देख पा रहे होंगे कि इनका जो पेमेंट है वो 2/7/2024 को पहले का पेमेंट गया था, उसी प्रकार से इनका देखिए 10 तारीख को पेमेंट जो है बैंक में एक्सेप्ट किया गया, तो इनको कम से कम 8 दिन का समय लग गया है। इसका मतलब है कि कुछ जगह जो है वो 1 दिन का समय, कुछ जगह 3 दिन का समय, कुछ जगह आपको 1 सप्ताह भी लग सकते हैं। इस प्रकार से आपको बता दें कि ऑलमोस्ट 1 सप्ताह आपको समय लग सकते हैं और आपका जो पेमेंट है वो आपके बैंक में पहुंच जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि आप सभी को जानकारी जो है वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विशिष्ट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए और वीडियो को अन्य बहनों के साथ जरूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।